भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन अगर हम विश्व की टॉप 10 सबसे बड़ी नदियों के बारे में बात करें तो इसमें गंगा नदी शामिल नहीं होती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नील नदी है। नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री चेक में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दुनिया की सबसे बड़ी नील नदी के रहस्य के बारे में जानने वाले, तब तक आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए। आपको बताना चाहेंगे, नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर यानी कि 4,132 मील है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर ग्रेट सहारा डेजर्ट के ईस्टर्न पार्ट को पार करती हुई नॉर्थ में भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी अफ्रीका के लगभग 11 देशों से होकर गुजरती है, इसमें से मिस्र, सूडान, इथियोपिया प्रमुख देश है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। आपको बताना चाहेंगे कि व्हाइट नील और ब्लू नील जो नील नदी की सहायक नदियाँ हैं। नील नदी को मिस्र के लिए एक वरदान कहा जाता है। मिस्र उत्तर पूर्वी अफ्रीका का एक देश है जिसका लगभग एक तिहाई भाग मरुस्थल है। मिस्र की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। मिस्र की भाषा में नील नदी को इतेरु कहते हैं, इसका मतलब होता है कि महान। मिस्र में पूरे साल भर में सिर्फ 1 इंच बरसात होती है, लेकिन फिर भी गर्मी के मौसम में नील नदी का पानी बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दक्षिण की ओर नील नदी के सुदूर स्रोत इथियोपिया में उस समय बारिश हो रही होती है, इसी कारण से नील नदी का पानी बढ़ जाता है। नील नदी मिस्र के लोगों को घर और इमारत बनाने के लिए सामान उपलब्ध करवाती है। नील नदी की गीली मिट्टी से वहां के लोग अपना घर बनाते हैं। इसके अलावा नील नदी के किनारे की पहाड़ियों से वो चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भी प्राप्त करते हैं। अफ्रीका के अलावा कई देश इस नदी के किनारे पर बसे हुए, जिसकी वजह से नदी का इस्तेमाल परिवहन के लिए भी किया जाता है। आपको बताना चाहेंगे, बाढ़ से बचने के लिए नील नदी पर असवान डैम भी बनाया गया है। इस डैम का निर्माण साल 1916 में शुरू हुआ और साल 1970 में बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, आपको नील नदी के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।